क्या सोचता आप लोगों ने कि मैं न्यू माइनक्राफ्ट हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहला वाला वर्ल्ड बनाया था, ठीक है, वो पता नहीं कैसे ना कैसे करके वहां पे क्रीपर ने पूरा का तबाही मचा दी थी, ठीक है, पूरे खत्म ही कर दिया था यार वर्ल्ड को, जगह जगह पे ना गड्ढे कर दिए थे। तो ये हमारा एक न्यू वर्ल्ड है, अभी कंटिन्यू करते हैं। कौन सी ऐसी गेम है जो कि बीस्ट बॉय मनी नहीं समझ सकता? कौन सी? कोई भी नहीं। तो फाइनली अभी हमने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस किया है इसमें, अभी क्या प्रोग्रेस किया है आपको दिखाता हूँ। सॉरी, दिस इज नॉट माई जगह, ये मेरी प्लेस नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जगह पे जाके मिलता हूँ, यहाँ पे मैंने खुद का एक अच्छा सा जुगाड़मेंट बनाया है। सो हियर वी गो, आर यू गाइस रेडी? यस गाइस, हमने खुद का अपना एक जरा ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ, उस साइड रह गया ब्लॉक लगाना, चलो कोई नहीं। तो फाइनली गाइस हमने अपना जो है ये घर बना लिया है, घर नहीं जिसे तुम कह सकते हो बिल्डिंग, जो कि माइनक्राफ्ट की सबसे तगड़ी वाली बिल्डिंग बनने वाली है भाई विलेज में, इस विलेज में, ठीक है। जो ये विलेज आसपास ऐसी बिल्डिंग किसी की नहीं होगी, विलेज हमारे जो विलेजर्स है ना वो भी हमारे घर आया करेंगे और कहा करेंगे ओ भाई क्या बात है, ऐसा सीन। तो चलो गाइस अभी मैं आपको दिखा दूं, मैं बताता हूं गाइस मैंने ऑफलाइन 6 से 7 घंटे मथा मारी करके क्या क्या प्रोग्रेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैंने एक विलेज ढूंढा, ये विलेज मिला मेरे को, और उसके बाद गाइस मैंने थोड़ा अपना ये किला खड़ा कर लिया। हालांकि इसको मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था अगर मैं 1-2 घंटे और यहाँ पे लगा देता, बट नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको अंदर की जो है एंट्री दिखाता हूँ। ये तो गेट है गाइस फाइनली जो हमने लगाया। अच्छा उसको इग्नोर करो, वो तो ऐसे मैंने ना ट्रांसपेरेंट लगाया हुआ है छत के ऊपर, उसमें से ना वो पूरे बादल दिखते हैं, आपको अंदर जाके दिखाऊंगा देखना, ठीक है। टूटिया हियर वी गो, ये है गाइस मेरा किला। और हाँ, इस छत को थोड़ा इग्नोर करना, ना रहा था बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे बनाऊं, बट फिर इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। वैसे दिस इज एज अ ट्रांसपेरेंट, ये काम करता है ना, पूरा एकदम मस्त वाला फील आता है यार कि वाह बादल बादल दिखते हैं। तो यार अमीरों वाली फील ले रहा हूँ मैं इस ग्रीव से, जो भी ये बनाया हुआ है हमने इस ग्रीव से किले में, बट हाँ ठीक है। तो गाइस उसके बाद मैंने 2 चेस्ट लगा दी थी, 3 फर्नेस लगा दिए थे, 1 क्राफ्टिंग टेबल, और हाँ मेरे को कुछ ये 10 आयरन और मिली थी, ये पता नहीं क्या काम किया, मैं थोड़ा जब ये स्टोन खोद रहा था तो उस टाइम मिली थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है, इसका भी देखेंगे यूज़ क्या क्या करना है। और फाइनली रात होने वाली है, ये कौन आया? ओए सुंदरी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली ने। तो इस विलेज की तो नहीं लगती सुंदरी, क्या दे रही? फायर कोरल ब्लॉक, ब्लू डाई, ब्लू ऑर्चिड, रूटेड डर्ट, मॉस ब्लॉक, गन पाउडर है। उई गायब हो गया बे। अच्छा ये इधर ही घूम रहा है सारा, वो पोजन पी गया वो भाई, इसके पास और तेरे पास मिलता है क्या पोजन गायब होने वाला? मेरे को भी दे दे यार, मैं भी उस टॉर्मेंट जारी की जैसे गायब हो जाऊं। अरे बे वो खुद गायब हो गया रहा है, सभी हो रही है रात, तो अभी हम थोड़ा सोते हैं। ओए नल्ले, बोला था ना गाइस विलेजर्स हमारी बिल्डिंग में आएंगे, अभी तो ये बननी स्टार्ट हुई है, अभी से आने लग गए, देख रहे हो जब ये बन गई तो सोचो। ओके सो गाइस सुबह हो चुकी है, आई थिंक दोबारा रात भी होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम सो गया था। हाँ बट कोई बात नहीं। तो गाइस हम लोग अभी हमारी चेस्टेज में चेक करते हैं, आई थिंक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला जो है सामान हो सकता है इन चेस्टेज में, क्योंकि रात को मैंने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक और तबाहीदार सा सामान रखा था गाइस, ठीक है, तुम देखना अभी। और ये इग्नोर करो गाइस, इग्नोर, लेकिन कोई तो चोरी करके ले गया यार मेरा सामान, यहाँ पे विलेजर चोर है साले, मेरे को गेट पे यहाँ पे लॉक लगाना पड़ेगा यार, ये चोरी चोरी करते हैं मेरे पेड़ इतना अच्छा सामान, विलेजर लोग क्या करते हैं यार,
मैं कैसे विलेज में आ गया यार, हालांकि हो सकता है मेरे को सपना, बट नहीं ना यार सपना हो सकता है। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं गाइस, चलो चलते हैं गाइस। आज का मेरा जो गोल है ना, तो गाइस आज का हमारा जो गोल है ना वो है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पूरा पूरा एक फार्म बनाना है अपने लिए, इन द सेंस अपने लिए कि जो कि हमें खाना पाना जो है प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो चलो चलते हैं। पहले यार ऐसा सीन है, जो मेरे को वो ब्लॉक्स मिले थे ये वाले कुछ आयरन ओर्स थी, तो आई थिंक मैं इसको अगर फर्नेस में रखूंगा तो इसको जलाने के लिए लकड़ी नीचे लगा दूंगा, तो इससे कुछ तो मिलना चाहिए यार। आई थिंक आयरन मिल सकता है हमें, तो देखते हैं अगर क्या मिलता है इससे हमें। ओके, एक ब्लॉक से एक आयरन मिलता है, फिर भी वो तो जब तक गाइस वो आयरन बनते हैं तब तक हम लोग अपने जो है काम कर लेते हैं, ठीक है। तो काम करने के लिए हमें जो है ये यहाँ पे लगा देना चाहिए एक बाहर वाली साइड। और भी गाइस मेरे को बनानी है स्टिक्स, ठीक है, तो मैंने स्टिक्स बना लिए ताकि मैं थोड़े हथियार बना सकूँ अपने खेत को जोतने के लिए। और उसके बाद गाइस आई थिंक को हुई की जरूरत पड़ती है, तो एक दो हुई बना लिया, एक दो एक्सेस बना लिया, बस सही है। ओके, तो अभी सोच रहा हूँ कि अपना जो फार्म है वो कहाँ पाएगा, किस साइड बनाऊँ यार। यहाँ तो नहीं बना सकता मैं, तो इस साइड बना लेते हैं यार, है ना। तो इसके लिए यार हमें जो है पहले इसको बराबर करना पड़ेगा आई थिंक सो। तो अभी यहाँ पे नहीं बनाते हम लोग, अभी हम कहीं और चलते हैं बनाने के लिए, जहाँ पे अच्छी सी जगह मिल जाए मेरे को तो वहाँ पे बना दूंगा। ओके, सो गाइस काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ये करते, और हमें रात हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है मैं अपना अभी के लिए फार्म बनाऊंगा, ठीक है, खाने पीने का, ठीक है। और ये बंदा अभी तक यहीं पे घूम रहा है, पता नहीं क्यों, इसको लगता है इसको भी मेरी बिल्डिंग है वो पसंद आ गई यार। ओके, तो इसके अंदर चलते हैं, अभी सोते हैं, रात हो गई, क्योंकि जो बेड है साला ये हर रोज हमारी बिल्डिंग में आके सो जाता है भाई, इसके साथ मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा भाई रात को, इसको बोला ऐसे मत सोया करे आके यहाँ पे फालतू का। ओके, सो गई सुबह हो चुकी है अभी, ठीक है, और इस बेड ने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है इस बंगले को बनाने के लिए, हालांकि ये बंगला है कि यार, बस हम इसको अपनी बिल्डिंग बोला करेंगे। लेट्स गो। अभी सीन क्या है कि यहाँ पे मैंने फार्म का सीन तो क्रिएट किया था, बट यहाँ पे ये फिर से जो है सूखा पड़ गया, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो ये फार्म है ना ये, इसके अंदर हमें पानी रखना पड़ेगा लाके, जिसके कारण ये गीला रहेगा, ठीक है। तो हम लोग फटाक से एक तो बकेट बनाते हैं, वो आयरन है जो हमारे पास पड़ा है, चलते हैं वहाँ पे और वहाँ से आयरन वायरन ले लेते हैं। कहाँ पे है, फर्नेस में पड़ा, 10 आयरन पड़े हैं हमारे पास। हेयर वी गो, यही है भाई वो हरामी बंदा, यही चोरी करके लेके आता है मेरा सामान, सही है भाई। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, हालांकि अंदर भी पड़ा था क्राफ्टिंग टेबल, बट पता नहीं क्यों मैं इधर लेके आया इन्हें। तो अभी गाइस हम लोग बनाते हैं स्टिक्स। ओके माय बैड भाई, मैंने स्टिक्स बना लिया कुछ, अभी हमें चाहिए एक बाल्टी। ओके हेयर वी गो, यहाँ पे हमने बाल्टी ले आए हैं, तो यहाँ पे हमारे फेंस लगेंगे, ठीक है। और इससे पहले ना मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ यार कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जो है मतलब कि पानी डालना होगा मेरे को, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी पहले, तो ओके। सो गाइस बहुत टाइम ज्यादा दिमाग खपाई करने के बाद मैंने ये कुछ गड्ढे किए यहाँ पे, पता नहीं मैंने क्यों किए, क्या मतलब इनका बठान, इनको करने में बहुत ही ज्यादा सोचा मैंने, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे किए हैं, आई होप ये हमारा काम आएंगे, ठीक है। और एक तो ये तंग कर रहे हैं मेरे को, ये सुंदरी सी भाई कब से घूम रही है हमारे विलेज में, इसको खत्म कर दूंगा मैं। तो बोलो गाइस चलो चलते हैं अभी ना, पानी ला के भरते हैं। दो सुंदरियां आ गई, ये क्या है भाई, भाई इतनी अच्छी लग रही है क्या भाई मेरी बिल्डिंग, देख रहे हो, ये वाह जी वाह, इनको इधर ही घूमने रहते हैं ना भाई, बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फील्स, पता नहीं जो कोई तो दे रहा है कुछ तो ये हमें, और कोई बात नहीं अभी हम करते हैं पानी लेके आते हैं। और मेरे पास खाना भी नहीं है भाई बिल्कुल भी, ओए खाना दो कोई, तो इनके घर से चोरी कर लूं क्या, फटक से इनके घर में से चोरी करते हैं यार सामान नहीं खाना। ओ भाई क्या तगड़ा बनाया हुआ है भाई घर इन्होंने। ओके सो गाइस आधा घंटा पकाई करने के बाद मेरे को मिली है ये चेस्ट, इसमें काफी कुछ पड़ा है खाने को, तो हाँ हम लोग उठा लेते हैं ना इसे, मेरे को नहीं पता बेचारे का क्या रहेगा, बट हाँ उसका कुछ तो ऐसा रिएक्शन रहेगा कि चोरी कौन करके ले गया। भाई कितना अच्छा विलेज बनाया हुआ है यहाँ पे, देख रहे कितने विलेजर्स घूम रहे हैं, ओ माय गॉड यार, इनकी भी जिंदगी है यार और हमारी भी जिंदगी है, देख लो हम क्या करते घूम रहे हैं। ओके तो हम लोग सेब खा लेते हैं और हम लोग ब्रेड खा लेते हैं, हेयर वी गो। ओके सो गाइस मैं खा चुका हूँ सारा सामान जो मैंने खाना था, अभी हम बकेट में भरते हैं पानी। ओके तो बकेट में हमने पानी भर लिया, अभी चलते हैं हमारी जगह पे और वहां पे जाके
जो हमारा फार्म है वहां पे पानी भरते हैं ताकि जो वो एरिया है ना वो अच्छा रहे। ये मेरे घर के अंदर घुस गया भाई पूरा। बाहर चले जा, मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे रख दिया हमने पानी, और ऐसे हमने ये तीनों चारों गड्ढों में पानी भरना है तो फटक से भरते हैं, लेट्स गो। सगाई काफी टाइम के बाद हमने यहाँ पे पानी भर दिया है, पता नहीं इसका क्या मकसद है, क्यों भरा मैंने, बट हाँ हमने भर दिया। और हम देखते हैं कि ये पानी हमारा ये काम कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे तो मैं फैंस लगाऊंगा। सो इधर से स्टार्ट करते हैं अपनी वो करना, लेट्स गो लेट्स गो। अरे साइड पे हो जाओ, मैं तुम्हारा फोड़ दूंगा मैं तुम लोगों को, समझ रहे हो ना। तो कैसे अभी सो जाते हैं, मेरी वैसे भी वो टूट चुकी है, मेरे को रस्सी मिल चुकी है, लावा तेरे को बांध दूंगा मैं, सब बता रहा हूँ। ओके तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, सुबह हो चुकी है और ये इधर ही अटके हुए हैं, मैं मार दूंगा यार इन्हें, कसम से बोल रहा हूँ। कितने लामाज हो चुके हैं यहाँ पे, ऐसे ही काम तो वहां कर दूंगा मैं तुम लोगों का भी, चले जाओ यहाँ से अगर जाना है तो। ओके तो अभी तो कुछ ज्यादा खतरनाक से दिख रहा है हमारा फार्म, तो अभी ना फटैक से चलते हैं, ठीक है। स्टोन्स ढूंढ के लाते हैं यार, स्टोन्स ढूंढने के लिए हमें पिकेक्स चाहिए, तो हम लोग दुनिया भर की पिकेक्स है वो बना के ले जाते हैं। यार आयरन की पिकेक्स तो नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि इसका कोई इतना मतलब नहीं है। ओके दुनिया भर की मैंने पिकेक्स बना लिया, ठीक है। अभी चलते हैं, थोड़े स्टोन लेके आते हैं ताकि हम स्टोन्स के टूल बना सके, ठीक है। लेट्स गो। वो रही सामने है वो केव, ठीक है। ओ भाई रास्ते में स्केल्टन मिल गया, मार दिया भाई, मेरे को लगा मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर ऐसे नहीं आना चाहिए यार मुझको, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ओ वापिस चलते हैं भाई, मेरा तो सारा हार्ट फेल कर दिया भाई इसने। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ, सोच रहा हूँ ना शील्ड बना लूँ भाई। हाँ एक ही आयरन की तो बन रही है, तो क्यों नहीं। तो मैंने शील्ड बना ली है, और शील्ड को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे अपने। ओके और मैं एक सवॉर्ड बनाना चाहूँगा आयरन की। अरे आयरन की सवॉर्ड चाहिए भाई मेरे को, ये रही, ये गाइस हमने बनानी है आयरन की सवॉर्ड, नाइस। ये हमारा ब्रेड बड़ा हुआ है। गाइस सो गाइस अभी मैं रेडी हूँ, अभी मैं अपने पोटैटो देख लेता हूँ, काफी ज्यादा पक चुके हैं। अरे ये आग किसने लगा दी यहाँ पे, वे क्या करते हैं ये लामा जो भी है, ये क्या है, ये ट्रेडर है साला, सुंदरी है लेकिन मेरे लिए। चलो गाइस चलते हैं उसी गुफा में और वहां से स्टोन्स खोद के लाते हैं दुनिया भर के, लेट्स गो। ओए गाइस मैं हेयर भी गो जहाँ पे हम आ चुके हैं, अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतनी दूर क्यों आया, क्योंकि यार ऐसा सीन है ना, अगर उधर ही खुदाई करने लग जाएंगे ना भाई, तो यार फिर उधर थोड़ा ना अलग टाइप का सीन हो जाता है, मतलब ऐसा है ना फिर। ओए सो गाइस करते हैं खुदाई स्टोन्स की, यहाँ से दुनिया भर के स्टोन्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम अपने घर के पास ही खोद रहे थे, बट यार मैंने सोचा क्यों ना इधर आया जाए, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी हो जाएगा कि हमारे आसपास क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग दुनिया भर के स्टोन्स है वो खोद लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद गाइस मैं आपको मिलता हूँ स्टोन खोदने के बाद, लेट्स गो। गाइस सो गाइस हमारे पास 64 हो चुके हैं, 64 एक स्टैक। अरे ये कौन है, ये विलेजर है भाई, विलेजर नहीं है यार, ये पंगे लेने हैं क्या मेरे साथ तुम लोगों ने। नहीं भाई डरावने से लग रहे हैं भाई ये तो। ओके सो गाइस हमने यहाँ पे अपना सारा का सारा जो है स्टोन कलेक्ट कर लिया है, अभी चलते हैं हमारे घर के पास और वहां पे जाके बनाते हैं हमारा जो भी सामान हमने बनाना है, लेट्स गो। ओके सो गाइस लिटरली मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ, हियर वी गो, ठीक है। और यहाँ पे यार ये क्या सीन है यार, ये ऐसा क्यों हो रखा है, ये खराब कर रहे हैं यार, यहाँ पे फेंस लगाने पड़ेंगे यार मेरे को। ओ भाई साहब फेंस बनाते हैं यार, पहले तो फेंस लगाते हैं यहाँ पे, फिर रात को गायब हो जाते आई थिंक। ओके हेयर हो गया, यहाँ पे हमने ओक फेंस बना लिए हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे लगा देते हैं यार, यहाँ से लगाने हैं मैंने ओक फेंस, ये लगा दिया, ये तो पेंट जो लगने से पहले ही खत्म हो गए भाई, गजब सीन हो गया, गजब गजब, बट कोई बात नहीं लगाएंगे तो है हम लोग, चिंता नहीं है। रात हो रही है बट कोई बात नहीं सर, हम लोग रात को भी ना थोड़ा काम भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्टोन्स लेके आ चुके हैं, तो फटक से पहले तो मैं अपने आलू खा लूँ। ओके तो वैसे अभी हम लोग स्टोन्स लेके आते थे, स्टोन्स के कुछ तो जो है काम की चीज़ें बना लेते हैं, जैसे एक दो एक्सेस बना लिए हमने,
सगाई हमने जो है कुछ ये स्टोन्स की जो है चीजें बना ली हैं ताकि ये जल्दी टूटे ना। और मेरा स्कोला भी हो चुका है और ये मैंने 31 लाइट्स बना ली अपने उसकी। ठीक है एयर वी गो। और यार थोड़ा सा आर्मर भी बना लूं क्या, अगर बन सकेगा कुछ बनेगा क्या? मेरे पास चार ही आयरन है यार, लेकिन पांच आर्मर नहीं, कितने कितने चाहिए? और ये बहुत ज्यादा चाहिए इनके लिए यार। तो एक स्टोन की पिकेक्स बना लेते हैं जो कि मेरे को लगता है काम देगी हमें। ओके हियर वी गो। तो रात हो चुकी है बट कोई बात नहीं, चिंता नहीं है कोई भी। जोम्बी शोम्बी से डरना नहीं है। यार सामने जोम्बी रुके हुए, किसके ऐसे की तैसी। पर तो मैं अपना ना सामान रख के हूँ भाई अंदर, फिर ही लूंगा उनसे तो पंगा जाके। रुक जाओ, इसे हमारी सारे के सारे हथियार रहा करेंगे जो कि हमने बनाए हुए हैं। ये कोबल स्टोन है जो जो नीचे वाली चेस्ट में रखेंगे, जो ब्लॉक्स होया करेंगे ना राइट, वो हमने इसके नीचे रख दिया करेंगे। डर्ट का तो कोई लेना देना नहीं है। बेड मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ताकि मैं कहीं भी लगा के सो सकूं। ओके और जो ऊपर वाली चेस्ट है इसमें हम लोग मेन मेन चीज रखेंगे, जैसे कि आयरन रख दिया, आयरन ही है अभी तो मेन फिलहाल तो। ठीक है और ये रख दिया कोला। ओके तो हम लोग आ चुके हैं बाहर बड़ा सामान रख के। आ जा, तेरा ही तो वेट कर रहा था मैं, आ जा। आई आई आई, अरे गोलम आ गया था। आ मेरी जान, जो बेचारा इतना वो क्यों लग रहा है यार, देखियो बेचारा टूटा सा लग रहा है, लगता है फाइट कर करके ये वो हो गया, चोट खाने लग गया। आ जा तेरी ऐसी की तैसी, अभी नहीं डरता मैं, समझ रही है ना, मेरे पास सील बन चुकी है अभी। फालतू का मेरे से पंगे ले रहे हैं। आ जाओ भाई, और भी है क्या कोई यहाँ पे? अभी तो ढूंढ ढूंढ के मारूंगा भाई, अगर कोई नहीं भी आएगा ना मेरे पास तो भी मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा इन लोगों को। ओके कोई नहीं है यहाँ पे, ये रही मकड़ी इसकी ऐसी की तैसी। ओ ये क्या, व्हाट द हेक, साला खुद भी फूटा। और चलो ये क्रीपर से डर लगता है यार, और किसी से नहीं लगता यार। हियर वी गो। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। यस नाइस। यार मैं सोच रहा हूँ ना, रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। कसम से, अरे चलो सालो, चलो सालो, ओ ऊपर से आ गई ये, बट क्यों ऊपर से बंद करनी पड़ेगी भाई मेरे को लगता है छत तो। अरे अंदर भी मैं उजाला कर लेता हूँ ना भाई थोड़ा सा, बाहर ही उजाला कर रखा भाई मैंने, बहुत सही। ये लगा दी एक कोने पे टॉर्च, ये लगा दी दूसरे कोने पे टॉर्च, ये लगा दी तीसरे कोने पे टॉर्च, ये लगा दी चौथे कोने पे, ये हमने लगा दिया बीच में, ऊपर ही रह गई यार, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। हेयर वी गो। नहीं हुआ अभी उजाला भाई, इधर और इधर और इधर, हेयर वी गो। यहाँ पे हमने अपने घर के अंदर उजाला उजाला कर लिया, देख रहे हो भाई। अभी कोई इसकी छत पे भी नहीं रुक सकता भाई, हल्की फुल्की बात थोड़ी ना है। ओके कुछ तो मिला हमें, तेरी ऐसे की तैसे। आजो आजो, कर आई आई, कर तू करो, तुम आई आई, तू भी जा, तेरा भाई तो गया ही है, तू भी जा जा। हाँ इस अभी तो भाई सुबह हो चुकी है, और आज हम ऐसा करते हैं ना, आज इस वीडियो में हम लोग ना अपना फार्म पूरा तैयार कर देते हैं। लेट्स गो गाइस, इसको थोड़ा और बड़ा करना है मैंने, तो इसको पहले बड़ा करते हैं, इसके लिए मेरे को थोड़ी डर्ट चाहिए रहेगी। लेट्स गो, डर्ट को इकट्ठी करने के बाद इसको बड़ा करते हैं।
तो मैंने कहा इस पानी अपना जो है फार्म है वो बना दिया है, अभी इसको पानी चाहिए रहेगा तो हम इसमें डाल देते हैं पानी। ओके दुनिया भर का पानी, हेयर वी गो। तो यहाँ तक इतना बड़ा हमारा भी फार्म रहेगा, तो अभी इसमें हमने लगाने हैं वीट सीड्स जो कि मेरे को कहीं ना कहीं से तो मिलने वाले हैं, मेरे पड़े हैं आई थिंक सो, लेट्स गो। ये गाइस हमने लगा दिए, कम थे यार लेकिन मेरे को कहीं से तो इनको काटने से मिलते हैं ना। हाँ वीट सीड्स से थे, वीट सीड्स तो गाइस मेरे को दुनिया भर की जो है सीड्स जो है घास काटने के बाद पता चला मेरे को वीट सीड्स हैं वो अभी 6 ही मिले हैं। वेरी गुड, चलो कोई नहीं। ओके यहाँ पे हमने लगा दिया और हमारा फार्म अभी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है कि अगर इधर किसी के फार्म में अगर किसी ने फार्म बनाया होगा, फार्म तो होगा यहाँ पे 100%, तो मैं वहाँ से वीट सीड्स लेके आ सकता हूँ। ये रहा भाई, है तो छोटा सा भाई का बट हाँ ठीक है। क्या बोला तूने? यार इतने छोटे से फार्म से कुछ नहीं होने वाला भाई, इतने बड़े विलेज में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है वो काम करता है, ठीक है, वो भी छोटा सा फार्म बनाया हुआ है उसका और उसके साथ इन सभी का गुजारा हो रहा है। ओके सो गाइस हमने जो है हमारा फार्म में लगभग तैयार कर ही लिया है। तो गाइस आफ्टर 1 घंटा 2 भेड़े मारने के बाद मेरे को 64 वीट सीड्स मिल चुके हैं, ठीक है भाई, बहुत मुसीबत से लेके आया यार। अभी हमारे लिए गाइस ये सीन है सही हो जाएगा, अभी हम लोग पूरा का पूरा इसको कवर कर देते हैं वीड्स के साथ, वीड सीड्स के साथ, ताकि हमें खाने की कमी ना हो यार लगभग। और तो कुछ नहीं भाई, कब पता चले मैं इधर खाने मतलब कि भूख से ही मर गया इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स गो गाइस। ओके तो 64 भी कम पड़ गए क्या, वाओ। और तो यार मैं कहीं से ला भी नहीं सकता, मेरे को फिर यार घंटा डेढ़ घंटा जाना पड़ेगा भाई वीड सीड्स लाने के लिए। ओके सो गाइस सीन ऐसा है कि आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी क्योंकि यार अभी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वीड सीड्स को दोबारा लाने में, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी। नेक्स्ट वीडियो चल गया तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस बाय बाय टाटा सी यू।